हे आज ही वीडियो बनाओ रे। नाम बोलो इधर नंबर EJAZ EJAZ इसका वीडियो बनाओ इसका वीडियो बनाओ AAZ AAZMD तो ये पावती कट गई है और ये रुमाल के वजह से, रुमाल अलाउ नहीं है, मास्क अलाउ है ऐसा बोल रहा है, मास्क बैग में था, मैं सोचा रुमाल से काम हो जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि मास्क इम्पोर्टेंट है, तो कुछ इसके बारे में बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। बहुत बड़ा फंडा है ये। तो अपना काम तो हो गया, ये लेने का था, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मैं बताऊंगा ये क्या है क्योंकि बहुत ज़रूरी था, इसके वजह से मेरा आज का वीडियो नहीं आ पाया। आप समझ लो कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम शूट कर रहे हैं आईफोन से तो इसका कनेक्टर तो ज़रूरी है, कैसा कनेक्टर है वो आगे दिखाता हूँ वीडियो में। टाइम फ्रेम का हो चुका है, जैसे मैं बताया हूँ सूरत उतरना है, ये नाक से उतरना नहीं चाहिए, ये बड़ा टेंशन है। तो ये जहाँ ख़रीद रहा था वो बोरीवली स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, और स्टेशन पे जाता हूँ, 2:50 में ट्रेन है, राइट टाइम है, थोड़ी प्यास भी लग रही थी तो चलो चलते हैं। तो प्लेटफार्म पे जाने का रास्ता हो सकता है 6 पे आएगी। मैं बात कर रहा था ना कि कुछ काला कांडी है, कोई है नहीं यहाँ पे, बोल सकता हूँ वीडियो बना रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल है। मास्क के लिए आपको उसने दिखाया कि रुमाल अलाउ नहीं है, तो मैं वीडियो कर रहा था, तो वीडियो जब करने लगा मेरे से पूछा आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोला मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो खुद डर गया। तो उसने क्या किया, ओरिजिनल वाला निकाला ये, वैसे दूसरा एक निकाल के रखा था, बोलता है 500 फाइन है। जब मैं उससे बात बहस किया, मैं बोला रुमाल तो होना चाहिए अलाउ, मोदी जी ने तो गमछा पे बोला था कि गमछा से ढक लो, तो बोलता है नहीं, अब मुंबई में 1 से मास्क ही चाहिए, रुमाल नहीं चलेगा। तो मैं बोला ठीक है फाइन देता हूँ, तो फाइन देने लग गया, तो 500 का पावती फाड़ रहा था, पता नहीं कोई दूसरा था डुप्लीकेट जो आपने पीछे वीडियो में देखा, अभी वो मैं भी देखूंगा फिर से दोबारा कौन सा था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आप खुद देखो। मतलब कहीं पर भी आपको पकड़ रहे ना तो आप उसको वीडियो बनाओ, इसका वीडियो ज़रूर बनाओ, ताकि आपको ओरिजिनल पावती देवे, डुप्लीकेट पावती रख रहे हैं लोग और 500 किसी से भी ले रहे, तो आप कभी भी देखना ये ओरिजिनल बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप भरो, ये बहुत बड़ा काला कांडी हो रहा है। सूरत स्टेशन तो पहुंच गया, अब होटल चेक करना होगा, तो चलिए ऑनलाइन देख लेता हूँ, उसके बाद रात में बहुत सारा वीडियो भी एडिट करना है क्योंकि कल का रह गया था पूरा बाकी। बहुत से लोग सोचते होंगे कि आप इतना जगह जाते हो कैसे, आपको एड्रेस पता चलता है कैसे जाते हो, तो ये लोकेशन है, अभी मात्र 550 जाना है, 7 का रास्ता है, यहाँ से पैदल चल जाएंगे, समझ गए इतना ईजी होता है। तो यार फाइनली पहुंच गया होटल, और यही जस्ट बगल में स्टेशन के बगल में ही होटल लिया। एक्चुअली हुआ क्या रहा था कि सुबह में कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो मैं यहाँ पे आकर और डायरेक्ट वीडियो कर लूँ, यहाँ पे एक फार्मर भी है, फार्मर से बात हुई है, बात अगर फाइनल होती है तो फार्म के भी वीडियो करेंगे, और वैसे अदरवाइज दूसरा भी वीडियो करना है, तो यहाँ से क्या प्लान होता है आगे का और आगे इसी वीडियो में बने रहें, तो ताकि मैं आगे का वीडियो दिखाऊँ। तो होटल मिल गया है और यहाँ पे जस्ट आराम कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग करना है वो भी कर लेता हूँ, उसके बाद का जहाँ पे प्लान बनता है कल के बाद, यहाँ के काम करने के बाद वो आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो आँख पूरी लाल हो गई है, रात के 12 बज गए
अभी तक काम हुआ नहीं। एक्चुअली बहुत परेशान हो गया इस फ़ोन के चक्कर में जिससे वीडियो कर रहा हूँ। इसमें का जो भी शूट किया हुआ है ना, जब ब्लॉगिंग का या फिर जो हम पुणे गए थे वहाँ का वीडियो जो था, वो सब अभी तक के लैपटॉप में कवर मूव नहीं हो पाया। इसमें मूव करने के लिए हम जो मैं बोला था ना केबल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये केबल लिया। इसके बाद पता नहीं कि वो ऑटोमेटिक कुछ फाइल आ रहा था, फेल हो जा रहा था। फिर जाके मैं सूरत अभी जस्ट स्टेशन के पास से ये लिया, तो ये लेने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब इसमें कुछ ऐसा सिस्टम था उसके वजह से नहीं हो पा रहा था। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है इसके अंदर, मोबाइल के अंदर जो दिक्कत कर रही है, वो कुछ धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो एक वीडियो हो गया है ये एडिट, इसको कर देता हूँ अपलोड। उसके बाद जो ब्लॉगिंग का है वो वीडियो में काफ़ी लेट होने वाला है यार। ब्लॉग वाला वीडियो पहले आना चाहिए था, तभी तो पता चलता कि मैं कहाँ गया, कहाँ हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ। बड़ा मिस होगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो रूम चेकआउट कर दिया। उसके बाद अभी जहाँ वीडियो करना है वहाँ के लिए निकल गया हूँ। पास में ही है 1 किलोमीटर, रिक्शा वाले से इधर उधर पूछने से बढ़िया है लोकेशन लगा लो। 2 मिनट का रास्ता है, पैदल जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, सुबह सुबह वॉक भी हो जाएगा। इस वजह से मैं सोचा निकल जाते हैं पैदल ही। तो यहाँ से निकल गया हूँ, ब्रेकफास्ट करना बाकी है, कर लेंगे। एक्चुअली ये वीडियो जो बन रहा है ना, काफ़ी लेट हो रहा है। एक्चुअली क्या वीडियो, इससे हमने रात में एक केबल और लिया था, उस केबल से भी वही प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली सिनेमेटिक वीडियो हम जो कर रहे हैं इस मोबाइल से, वो वीडियो अब हमारे एडिटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से समस्या आ रहा है। और इस वजह से जब पुराने वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ सिनेमेटिक के, तो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो पुराने वीडियो सिनेमेटिक में बना हुआ है कुछ पार्ट्स, तो इसके लिए अपलोड करना मुश्किल हो रहा है। वो पहले बढ़िया से देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर वीडियो एडिट करके धीरे धीरे डालना ही है। तो चलिए काम करने चलते हैं। पूरा दिन काम किया और पूरा दिन काम हो गया, लेकिन कल का भी दिन रुकना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ शूट बाकी है, तो कल का आज वही होटल में ले लिया हूँ। खाना खाने आया था, खाना खा के अब वही होटल में जा रहा हूँ। तो पहुँच गया होटल, यही होटल है हमारा, पीछे आप देख रहे हो राधे गेस्ट हाउस। जो रूम लिया था उसका दूसरा रूम मिला है, काफ़ी बढ़िया रूम मिल गया है, थोड़ा सस्ता भी मिल गया है। तो चलिए होटल चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गया होटल, और उसके बाद एक वीडियो भी एडिट कर चुका हूं जो कि आप सुबह में देख पा रहे हो। मैं ये सोचा कि इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और आगे का वीडियो कल से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ कल का प्लान क्या होता है। कल एक्चुअली पूरा दिन सूरत में हूं, लेकिन कल के बाद का सूरत रुकना है या आनंद जाना है या वापस मुंबई जाना है, ये कल कन्फर्म होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। थैंक्स 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 फॉर वॉचिंग। बाय बाय।